तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना आजी तुझं हे चुकलं। बापाचा नाद नाही करायचं, बाकी काही ऐकून घेऊ काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तच कंडोळ्यात पाणी येत। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी NCP का काय म्हणायचे, नॅचरली करप्ट पार्टी। मेरी जिम्मेवारी शरद राव से ज्यादा है कि मुझे सामने जाकर के शरद राव को पूछना चाहिए कि शरद राव जी आपको क्या लगता है, आपका अनुभव है, इसका रास्ता कैसे है? नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया। खबर हमारी, फैसला आपका। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए पत्र भेजा है। इधर शरद पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इससे पहले मुंबई में दोनों गुटों की बैठक हुई। अजीत ने शरद की उम्र पर तंज कसा। राजकीय जीवना मध्ये असेल तर भाजपा मध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना अजित तुझं हे चुकलं। बापाचा नाद नाही करायचं, बाकी काही ऐकून घेऊ काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर तच कंडोळ्यात पाणी येतं। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी NCP ला काय म्हणायचे, नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। बैठक के बाद अजीत अपने समर्थक विधायकों को होटल ले गए। शरद पवार बोले, गलती सुधारना हमारा काम है। YB चौहान सेंटर में मीटिंग में शरद पवार ने कहा, जो शिवसेना के साथ हुआ वही NCP के साथ हुआ है। अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, सहमति नहीं होती तो बातचीत से हल निकालना चाहिए था। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ, गलती सुधारना हमारा काम है। आपने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। आज की बैठक ऐतिहासिक है, देश का ध्यान इस पर है। अजीत की भूमिका देश हित में नहीं है। मैं सत्ता पक्ष में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में हूँ। प्रधानमंत्री जब बारामती आए थे उन्होंने कहा था कि देश कैसे चलाना चाहिए, यह मैंने पवार साहब की उंगली पकड़कर सीखा है। मेरी जिम्मेवारी शरद राव से ज्यादा है कि मुझे सामने जाकर के शरद राव को पूछना चाहिए कि शरद राव जी आपको क्या लगता है, आपका अनुभव है, इसका रास्ता कैसे मिला। PM नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा था कि NCP ने भ्रष्टाचार किया है, अगर ये भ्रष्ट हैं तो आपने उन्हें साथ में क्यों लिया। जो मुझे छोड़कर गए हैं उन्हें विधानसभा में लाने के लिए बहुत मेहनत की है। ऐसे कई बातें मैं कह सकता हूँ, जो मेजर दो बातें उन्होंने कही और आज किसी पार्टी के जिन हमारे साथियों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम इससे पहले लगाए थे, इन साथियों को अपने साथ लेकर मिनिस्ट्री की शपथ देने का काम किया, इसे ये बात साफ हो गई कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। उन्होंने सहयोग, इन साथियों का सहयोग लेने की बात तय की, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। आज जो कुछ हुआ वो एक प्रेशर लाकर एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए, ऐसे मुझे लगता है। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए
मेहनत की, उनके लिए अफसोस है। जो विचारधारा पार्टी की नहीं है उसके साथ जाना ठीक नहीं है। जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला किया उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजीत पवार गुट ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। हमें सत्ता में लाने वाले लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम पार्टी का सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। अजीत पवार खोटा सिक्का निकला। वे लोग मेरे फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो मुझे देवता भी कहते हैं और मेरी बात भी नहीं मानते। जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं उनका इतिहास याद करो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।